मैं बहुत मार खाऊंगा शायद आज। मैंने ये बॉटल ऐसा नीचे रखा क्योंकि मुझे बाहर का डे देखना था और उतने में पानी गिर गया, बट आई स्वेर ये बॉटल बंद था। छापा जैसा क्यों हुआ है भाई, पता नहीं बाहर का मौसम एकदम ही डल लग रहा है। पानी गिर गया, मेरे को तो डल ही लगेगा। तो ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं, वेलकम बैक टू द चैनल वुस्लो ऑन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे से? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि पहले मेरे को जाके जिम जाके आने के न्यू हैश का जो नया कलेक्शन है उसका अपडेट लेने जाना टेलर के पास। और तुम लोगों ने अब तक न्यू हैश का नया कलेक्शन नहीं चेक किया तो जाके चेक कर लो, सबसे पहले चेक कर लो, क्योंकि हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शर्ट है वो, अंबर, कुकी क्रीम और जूट, तीनों भी एकदम उम्दा शर्ट है। ऐसा शर्ट किधर भी मिलेगा नहीं तुमको, जवान दे जवान देता है मैं बोला ना तो नहीं मिलेगा। मेरा टोटो टॉयस क्या पता, अंडा बना के देगी और फिर मैं खा के जिम वटेगा। इसको पता ही नहीं चला कि बेड गीला था, मैंने जब उसको बोला कहाँ से गीला था, यहाँ पर किधर तो भी गीला था, कि मैं बेड बैठ के उसको सुखा दिया तो उसको भरोसा नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ इतना, अगर मैं स्किलफुल हूँ तो मैं क्या करूँ मैं इतना स्किलफुल लड़का, मैंने बैठ के गर्म कर दिया उसको। अंडा दे देगा लगता है किस दिन बैठा बैठा। चलो आया, बाय बाय। अठारह सेकंड से पकड़ के खड़ा हुई खुशी भरने तक। ये आज मैं थोड़ा सा नींबू पानी लेके जा रहा हूँ जिम में। दो लोग बैठी है नर्सिंग, उनकी सेवा करने के, सात लोगों का एक ही घर मिलता है। अच्छा, प्रेसिडेंट को ही हो गया। हाँ। और घर पे सात लोग रहते हैं उसके। हाँ, यहाँ पे बारिश हुआ उसके वजह से इतना ज्यादा गंदा हो गया ये। अच्छा, तभी मौसम डल था सुबह सुबह। तो आज मैं नींबू पानी इसके लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज प्री वर्कआउट नहीं लूंगा। यूजुअली मैं जब भी अपना सेट चालू करता तो मैं हमेशा मतलब 17.5 से चालू करता था, तथा आज मैं 20 से डायरेक्ट चालू करूँगा। आज बहुत नाइस वर्कआउट हुआ यार, मैंने प्री वर्कआउट नहीं लिया था बट ऐसा कुछ फर्क पड़ा नहीं। लेमन वाटर लेके वर्कआउट करना वो एक बैड आइडिया था क्योंकि मेरा थोड़ा सा थ्रोट खट्टा हो गया ऐसा लग रहा, शायद से लेमन जूस मैंने ज्यादा डाल दिया था इसके लिए। तो अभी मैं फट से नहा के आता हूँ, फिर हम लोग काम के लिए निकल रहे। बताओ
सेम कैसे हो सकता है? ओए मस्त नहा लिया, अभी खाना खाऊंगा। रिया ने खाना बना के रखा है। ओह डैम थैंक्स। एब्स मेरा एब्स दुख रहा है खाते हुए भी। हाँ भूख आया है। भाई YouTube पे एक वीडियो देख रहे थे, फिर ब्रेक लिया, सोचा 10 मिनट सोते और सो ही गए। फक 6 बज गए, अब तक तो टेलर भी निकल गया रहेगा, सब कुछ बर्बाद हो गया प्लान। भाई लोग ठंडी ने बर्बाद कर दिया पूरा प्लान। अभी तो किधर नहीं जा सकते, बाहर जाने का फायदा भी नहीं है। हो सकता है हम लोग शायद से डीकैथलॉन जाके आए, क्योंकि कल जो रेजिस्टेंस बैंड इसके लिए लेने गए थे हम, वो मिला नहीं तो वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ा और हम लोग ने स्टोर पिकअप किया हुआ है। बाकी आज 8 बजे मेरे को लाइव जाना है अपने सर के साथ। तुमको भी ऐसा लग रहा है कि 2020 बस एकदम शांत है? मतलब कुछ अजीब वियर्ड सा शांत है, तुमको नहीं लग रहा? सच बोलो ना, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि फक कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अभी अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला वो नहीं पता, बट एकदम वियर्ड सा शांत है। वो स्टॉर्म के पहले वाला शांति रहता है बोलते हैं मालूम है, वैसा वाला। ए तुम लोग को भी लग रहा है तो बताओ, मैं अपना स्टॉर्म निकाल के आता हूँ तब तक। देख कैमरा इसके लिए तुम्हारे हाथ में दिया, इसके लिए रिकॉर्डिंग करवाया, बिकॉज आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर अ थिंग दैट यू माइट नॉट लाइक। मैंने तुम्हारा महंगा वाला टी शर्ट पहना है सिंस मेरे को कुछ कौन सा ओ माय फक, तुम ये पहन के जिम गया? आज दुनिया को पता चल रहा तुम कितना मारता है मेरे को। तुम क्यों मार खाता है वो नहीं बताता किसी को। जिम नहीं गया, जिम नहीं गया, पागल पागल की बच्ची। पागल तो नहीं है, इतने सारे टी शर्ट पड़े हुए। चलो भाई फाइनली बहुत सारा मांडवली करने के बाद निकल गए घर से, बट मेरे को बहुत महंगा पड़ा रे। चुप कर। ओह फक मेरा पैर सोर हो गया। तो ये मॉल है जहाँ पर डीकैथलॉन है, क्योंकि हम लोग जो डीकैथलॉन में गए थे वहाँ पर तो था नहीं रेजिस्टेंस बैंड, तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया और स्टोर पिकअप करवाया, क्योंकि मैं ऑनलाइन घर पे मंगवा रहा था। तो अगर मैं डिलीवरी मतलब घर पे मंगवाता तो उसका वो लोग 130 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, और वो भी 7 से 8 दिन लगते घर पे आने को। इसके लिए मैंने स्टोर पिकअप करवा लिया, तो मतलब अभी के अभी हो जाएगा और मेरा डिलीवरी चार्जेस भी बच रहा था। बट फ़ायदा नहीं होएगा अगर तुम लोग से दूर रहेगा तो घर का, बट तुम लोग को अर्जेंट चाहिए तो तुम लोग जा सकते हो। अचानक से सबको फिट होना है। यहाँ पे कॉलिंग नहीं था ना।
तो फाइनली मिल गया इसका रेजिस्टेंस बैंड, यहाँ से हम लोग ने ले लिया। और एक एकदम वियर्डली नाइस चीज हुआ, तो हम लोग अंदर गए स्टोर में और वहाँ पर एक डीकैथलॉन में काम करने वाला ये था, तो मैंने उसको पूछा कि मैंने स्टोर पिकअप किया हुआ है, ये मेरे को मिल नहीं रहा रेजिस्टेंस बैंड कहाँ पर होगा। तो उसने बोला अच्छा सर यहाँ पर है। फिर आगे चलते उसने कुछ तो बोला मेरे को, तो मैंने पूछा क्या, तो मेरे को बोलता है कि चैनल कैसा चल रहा है आपका। मैं बोला फक ये क्या सीन है, अच्छा ही चल रहा है बोला मैंने। मतलब फिर मैं ऐसा हो रहा था कि मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि एवरीडे बेसिस पे, कल भी हम लोग डीकैथलॉन में गए थे तभी भी एक जन आके मिला, बाहर जा रहे हो तो कोई ना कोई आके मिल ही रहा है। भाई तुम्हारे भाई का चैनल बढ़ रहा है, इज योर ब्रदर एंड योर ब्रदर्स गर्लफ्रेंड इज सेलिब्रिटी नाउ। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्या हम सेलिब्रिटी है, हमारा रीच बढ़ रहा है क्या गाइस? अरे ऑटो उड़ा के लेके जाता भाई मेरे को, बहुत दूर रीच करा देता। क्या बात, हाँ डीकैथलॉन का अच्छा होता है यार। तो हमें पहाड़ों पे जाने से पहले क्यों नहीं बताया डीकैथलॉन को अच्छा होता है तो? तुमको पता होना चाहिए ना, मेरे को तो पता ही नहीं था डीकैथलॉन में ये सब मिलता भी है, जैकेट वैकेट को तो मेरे को नहीं पता। ब्लैक वाला सबसे हैवी है ना। थैंक यू तो बोलो, मैंने लेके दिया तो। आंटी रैप कर रही है, कोई ना कोई तो समझ ही लेगा ना, प्लीज ट्रांसलेशन। बातें मत सुन। क्या बना? क्या करता है? साफ करता था। तो वही यार, अच्छा लगता है ऐसा, तुम्हारे भाई का रीच बढ़ रहा है ऐसा सोच के भी अच्छा लगता है ना, देख के भी अच्छा लगता है। बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा सा थकने को भी, और मेरे को पता नहीं दो दिन से यही फीलिंग आ रहा है जब से 2021 चालू हुआ है कि कुछ तो बड़ा होने वाला, अभी क्या होने वाला मेरे को नहीं पता, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है ऐसा। तो तुम लोग को क्या फीलिंग लगता है, मतलब ऐसा तुम्हारा न्यू ईयर दो दिन ही हुआ है बट फिर भी कैसा जा रहा है वो मेरे को बताना, ऐसा कि दो दिन में पता तो चलता है ना, एक वाइब मालूम पड़ जाता है कैसा जा रहा है। मेरा तो एकदम कोल्ड जा रहा है, मतलब अजीब सा कोल्ड जा रहा है, ठंडी लग रहा है इसके लिए, बट है कुछ तो सीन है। बाकी तुम लोगों को पता है तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को मानिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालो दिल खोल के। अपन मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, ऑलराइट टेक केयर, पीस बाय। हो गया आई नीड हेल्प। नहीं सही वैसे तू है।